वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि टोनिंग या फिर टोनर्स क्या होता है, टोनिंग क्यों करते हैं एंड किस लिए करते हैं, कितने टाइप्स के टोनर्स होते हैं अवेलेबल मार्केट में, और आपको कैसे सेलेक्ट करना है अपना टोनर बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप। तो मैंने इस सीरीज के अपने लास्ट टू वीडियोज में आपको इस साथ शेयर किया था कि क्लेंजिंग क्या होता है, कैसे चूज करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं ऑल दो स्टफ, एंड मेरे फेवरेट क्लेंजर्स क्या हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने अपने लास्ट टू वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि क्लेंजिंग के बाद ही का स्टेप है टोनिंग। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या है टोनर्स एंड टोनिंग क्यों करते हैं एंड ऑल दो स्टफ, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले चीज मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि टोनिंग या फिर टोनर्स होते क्या हैं, उसको यूज क्यों करते हैं एंड क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। तो जो टोनिंग एक स्टेप है वो हमेशा आपको करना होता है अपना फेस जो है अच्छे से क्लीन करने के बाद, मतलब पहले आप अपना फेस को क्लेंज करेंगे, चाहे वो डबल क्लेंजिंग से हो या फिर कोई भी फेस वॉश यूज करके पहले आप अपना फेस क्लीन करेंगे, और फिर उसके बाद का स्टेप होता है टोनिंग। टोनिंग है वो आप हमेशा तब करते हैं जब आपने अपना फेस क्लेंज कर लिया है। तो जब हम अपना फेस वॉश कर लेते हैं या क्लेंज कर लेते हैं तो हमारे फेस पे जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है ना वो थोड़ा बहुत चला जाता है पानी के साथ, एंड थोड़ी सी स्किन आपकी ड्राई हो जाती है। तो इसीलिए आपके फेस पे जो हाइड्रेशन है उसको वापस लाने के लिए, अपने स्किन का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हम टोनर्स यूज करते हैं। तो जो स्किन का पीएच लेवल होता है वो करीबन 4 या 5 के बीच में होता है। तो जब आप अपना फेस वॉश कर लेते हैं तो जो पीएच लेवल है वो बढ़ जाता है, मतलब कि आपका फेस थोड़ा ड्राई होने लगता है। इसीलिए उसको आपको कॉम्बैट करने के लिए एंड ड्राइनेस कम करने के लिए एंड आपका पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए स्किन का, इसलिए हम टोनर्स यूज करते हैं। और टोनर्स का एक और यूज होता है कि कुछ ऐसे भी टोनर्स आते हैं कि अगर आपका थोड़ा बहुत रेजिड्यू रह गया आपके फेस पे तो उसको भी क्लीन कर देता है एंड मतलब पूरा क्लियर फेस देता है। एंड इन शॉर्ट वो आपका जो आगे की स्किन केयर रूटीन है उसके लिए आपके स्किन को प्रिपेयर करता है, क्योंकि जब आप टोनर लगाते हैं, कोई हाइड्रेटिंग टोनर लगाएंगे या फिर क्लेंजिंग टोनर लगाएंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि टोनर्स के अंदर, कुछ टोनर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके स्किन के अंदर की लेयर्स तक जा सके। तो जब वो आपकी स्किन के अंदर लेयर्स तक चले जाते हैं तो जो इससे क्या होता है कि जो आपका स्किन है, पोर्स हैं, उसकी लेयर्स जो है वो रेडी हो जाता है आपके अगले स्किन केयर स्टेप्स के लिए। तो ये था टोनर, और अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के टोनर होते हैं। सो बेसिकली दो टाइप के टोनर्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रिजेंट टोनर और दूसरे होते हैं कि जो थोड़ा लेस एस्ट्रिजेंट हो या फिर थोड़ा हाइड्रेटिंग टोनर्स होते हैं। तो पहला एस्ट्रिजेंट टाइप होता है, वो क्या होता है बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको थोड़े से पोर इश्यूज होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी स्किन टाइटनिंग की ज़रूरत है, पोर टाइटनिंग की ज़रूरत है, एंड आपका फेस भी वो थोड़ा बहुत क्लीन कर सकता है। एंड बेसिकली जो ये टोनर्स होते हैं ना वो या तो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, और आज की डेट में अल्कोहल बेस्ड टोनर इतने बन नहीं रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल वैसे भी आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी स्किन को ड्राई एंड डिहाइड्रेट कर सकता है। इसीलिए अल्कोहल टोनर्स आप नहीं यूज़ करिए, उससे बेहतर है कि आप कोई भी ऐसा एस्ट्रिंजेंट टोनर यूज़ करिए जिसमें कि उसका बेस हो विच हेजल, क्योंकि जो विच हेजल है ना वो बहुत ही ज़्यादा नोन है फॉर पोर टाइटनिंग, या फिर आप कोई कुकुम्बर बेस्ड टोनर भी यूज कर सकते हैं फॉर पोर टाइटनिंग। एंड जो एस्ट्रिंजेंट बेस्ड टोनर्स होते हैं उनमें कभी कभी ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एक्ने और ब्लेमिशेस के लिए, क्योंकि इसके अंदर या तो सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, कोई भी BHA हो सकता है, बेसिकली BHA इज सैलिसिलिक एसिड। तो उससे क्या होगा कि वो आपको जो एक्ने की प्रॉब्लम है या ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है वो उससे फाइट करता है। दूसरा टाइप का टोनर मैंने बताया था कि जो थोड़ा लेस एस्ट्रिंजेंट होता है एंड थोड़ा ज़्यादा हाइड्रेटिंग टोनर होता है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, एंड अगर वो कोई एस्ट्रिंजेंट टोनर यूज़ करेंगे तो वो टोनर इनफैक्ट और ड्राई कर सकता है। तो आप लोगों को ऐसा ड्राई टोनर नहीं यूज़ करना है, आपको ऐसा टोनर यूज़ करना है कि जो थोड़ा हाइड्रेटिंग हो, जिसमें ग्लिसरीन हो या फिर सोडियम हाइलुरोनेट हो या फिर कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो कि आपके फेस को हाइड्रेट करे। बेसिकली जो टेक्सचर आते हैं आपके टोनर्स के वो या तो फिर बिल्कुल ही वाटरी टेक्सचर के होते हैं, कोई फ्लूइड लाइक होते हैं, या फिर जेल बेस्ड भी हो सकते हैं, या फिर थोड़ा लोशन या फिर इमल्शन टाइप में भी होते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू चूज योर टोनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग गलत टोनर यूज़ करते हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि हमारी स्किन पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, टोनिंग बकवास है,
ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी स्किन के हिसाब से टोनर चूज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन स्किन। तो इनके लिए टोनर सेलेक्ट करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि वो कोई भी रिफ्रेशिंग या फिर हाइड्रेटिंग टोनर यूज कर सकते हैं जो कि आपके फेस को स्मूदन आउट करे एंड बहुत ही सारा हाइड्रेशन दे एंड बहुत ही जेंटल हो या माइल्ड हो। एंड इन लोगों को अल्कोहल बेस्ड टोनर नहीं यूज करना चाहिए। तो अब बात करते हैं ऑयली स्किन पीपल के लिए। तो इन लोगों को ऐसे टोनर्स यूज करने चाहिए कि जो आपकी ऑयलीनेस को थोड़ा सा रिमूव कर सके एंड जो एक्ने या ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है उसको फाइट कर सके। तो ऐसे जो टोनर्स होते हैं उनके अंदर या तो फिर AHA होता है या फिर सैलिसिलिक एसिड होगा या फिर टी ट्री बेस्ड टोनर होगा या कोई ग्रीन टी बेस्ड टोनर होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपके पास अगर विच हेजल बेस्ड टोनर होगा स्पेशली वो ऑयली स्किन पीपल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक्ने के लिए बहुत अच्छा। विच हेजल टोनर यूज करने से जो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो है आपके पोर्स को थोड़ा टाइट करता है, स्मूदन आउट करता है आपका फेस एंड जिससे कि क्या होता है कि जो बाहर के डर्ट है या फिर पोल्यूशन है वो आपके पोर्स में अंदर तक नहीं जाता है, बैक्टीरियाज अंदर तक नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियस की बात है कि आपको एक्ने नहीं होंगे। एंड आप लोगों को भी कोई अल्कोहल बेस्ड टोनर नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि वो आपके फेस को डिहाइड्रेट कर दे। तो अब बात करते हैं डल ड्राई स्किन की। तो ऐसे स्किन टाइप वाले लोगों को ऐसा टोनर यूज करना चाहिए कि सबसे पहले जो कि वो बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग हो, उसके अंदर कोई ह्यूमेक्टेंट हो या फिर जैसे कि ग्लिसरीन या फिर सोडियम हाइलुरोनेट या फिर हाइलुरोनिक एसिड। ह्यूमेक्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो आपके एनवायरमेंट में मॉइस्चर है वो उसको खींच के आपके फेस में या फिर आपकी स्किन में लॉक कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि आपका फेस हमेशा हाइड्रेटेड रहता है। ऐसा कोई इंग्रेडिएंट होगा तो आपके फेस को वो बहुत सारा हाइड्रेशन देगा, ड्राई नहीं करेगा। एंड ऑल्सो जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उनकी जो स्किन है वो नेचुरली डल होती है, तो उस डलनेस को फाइट करने के लिए भी कोई ऐसा टोनर यूज करिए कि जिसमें कि लैक्टिक एसिड हो या फिर पपाइन एंजाइम हो या फिर कोई एंटीऑक्सीडेंट हो, जिससे कि आपका डलनेस खत्म हो एंड आपके फेस पे ग्लो आए। तो अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई द टोनर्स। आप टोनर्स को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला है कि कोई कॉटन पैड पे लेके आप अप्लाई कर लीजिए एंड दूसरा है कि आप अपने पाम में ही लीजिए एंड उसको आपके अपने फेस पे पैट डाउन करिए। तो जो पहला तरीका है आपके टोनर्स को अप्लाई करने का कि आप अपने कॉटन पैड पे लेके टोनर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज है कि आप अगर ऐसे टोनर अप्लाई करेंगे तो आपका जो टोनर है ना वो वेस्ट होएगा, आपका प्रोडक्ट वेस्टेज ज्यादा होएगा। और लेकिन उसका एक फायदा भी ये है कि अगर आप कोई ऐसा टोनर यूज कर रहे हैं जो कि आपके फेस को क्लेंस करना है एंड एब्जॉर्ब नहीं कराना, कोई हाइड्रेटिंग टोनर नहीं है, तो आपको कॉटन पैड पे यूज करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी रेजिड्यू है आपके फेस वॉश का या फिर कोई भी बचा कुचा चीज है वो कॉटन के थ्रू टोनर के थ्रू हट जाता है। और जो दूसरा तरीका है कि आप अपने पाम पे लेके अप्लाई कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट तरीका है। मैं यूजुअली अपने टोनर्स को ऐसे ही अप्लाई करती हूँ, तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट वेस्टेज भी नहीं हो रहा एंड जब आप अपने पाम से अप्लाई करते हैं उसको तो आपके पाम में एक नेचुरल हीट होती है जिससे कि वो उसका प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से होता है एंड ईजिली हो जाता है। तो मैंने आपको इन डिटेल सब कुछ बता दिया टोनर्स के बारे में कि टोनर्स बेसिकली कैसे होने चाहिए, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। तो इस वीडियो में वो सब कुछ बता दिया है मैंने। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ अपने फेवरेट टोनर्स शेयर करूंगी जिससे कि आपको हेल्प हो सकेगी कि कौन सा कैसे सिलेक्ट करना है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो, देन प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन आएगी ऐसे वीडियोज को कंटिन्यू करने की। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय।